हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हमारा नया घर नया किचन आप लोगों को पसंद आ रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। बाकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा होम टूर आपको कराऊँगी कि हमारा रांची का नया घर कैसा है और क्या है। और ये जो वीडियो है ना, ये भी बहुत पहले आप तक आ जाना चाहिए था, लेकिन लाइफ इतना बिजी चल रहा है, इतना हेक्टिक वाला चल रहा है ना यहाँ आने के बाद, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, मेहमानों का आना हो, मेरा जाना हो, छुट्टियाँ हो, और घर शिफ्टिंग का तो काम अलग था ही, तो वो सारी चीज़ें एक साथ अभी चल रही है, तो थोड़ा सा लाइफ बिजी है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो आपके साथ होम टूर ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल ये वीडियो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन का ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट किया था, बहुत पहले किचन को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उसके बाद समय नहीं मिल पाने के कारण आप तक नहीं किया था, और बहुत सारे व्लॉग बैक टू बैक हो गए थे, तो उसको भेजना पहले ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए ये जो वीडियो है ना वो रह गया था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं किचन को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, सारी चीज़ों को सेटअप कर रही हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कई वीडियो में कि हमारा किचन बिल्कुल खाली है, यानी कि इसमें कोई कबर्ड रैक कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सोचने में भी टाइम लगा कि अपने किचन के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमारा रेंटेड हाउस है, खुद का फ्लैट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करवा सकते हैं इसमें, इसलिए हमने मंगाया है ये अमेजन से रैक, जो कि आयरन का है, काफ़ी हैवी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और इसको मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। बाकी डिटेल आपको मेरे व्लॉग में मिल जाएगा, जिसका इसको असेंबल कैसे करना है, कितने का पड़ा है और कैसे मंगाया है, सारा डिटेल है, तो वो व्लॉग जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको खाली कर दी थी, क्योंकि जिस दिन असेंबल की थी ना उस दिन जो भी चीज़ें पड़ी थी मैंने उसके ऊपर रख दिया था। और यहाँ पर मैं ये सीट बिछा रही हूँ जो कि वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है, मैंने ग्वालियर में ही इसको ऑर्डर किया था और वहाँ पर यूज भी कर रही थी, फिर उठा के धो के मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाके यूज होगा, तो वही मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत सस्ता पड़ा था, आप इसकी भी वीडियो डली है चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर अमेजोन मीशो फ्लिपकार्ट कहीं भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आज का काम शुरू करते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और एंड में आप देखना कि हमारा किचन कैसा लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा किचन, हमारा ये रैक या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत हो रही है रांची में, शुरू शुरू में गर्मी नहीं हो रहा था और अब हो रहा है। आपके यहाँ गर्मी का क्या हालचाल है बताना। अभी तो पूरे इंडिया में मतलब सब जगह ही गर्मी हो रहा है, 50 डिग्री 52 डिग्री हो रहे हैं दिल्ली तरफ। ग्वालियर में तो भाई बहुत गंदा वाला गर्मी है, उतना नहीं है। यहाँ पे कितना होगा टेम्परेचर, 44-45 ऐसे होगा? बोकारो में 44 था कल, नानी बोल रही थी, तो यहाँ पे 43-42 ऐसे होगा। हाँ, बोकारो से तो थोड़ा कम ही रहता है रांची में, तो 41-42 डिग्री में हम लोग का ये हालत है, और ग्वालियर में 48.49.950 लगभग वहाँ टेम्परेचर चल रहा, तो कितना गर्मी होगा। अच्छा हुआ हमारे साल आ गए ना, कम से कम एक साल गर्मी से तो बच गए। तो आज ना काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, मैं थक गई हूँ घर का काम कर करके ना, मतलब खाना वीडियो ऊपर से ये घर किचन समेट, अब किचन बस रह गया है मेरा। किचन देखोगे ना, लाइफ में इतना गंदा किचन कभी नहीं होगा। लाइट कहाँ है यार, हाँ कभी भी इतना, मेरा किचन जो था ना ये लाइट खराब हो गया, लाइट की कमी हो गई है किचन में। तो ये देखो पूरे सामान यहाँ फैले हैं, और अमेजोन से हमने जो रैक मंगवाया था ना तो वो आ गया है। कहाँ है भाई, हाँ तो ये देखो मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ आपको। तो आज ना यही सब का शुरू करने जा रहे हैं, शाम हो गया है, सारा काम खत्म करते करते, और अब जाके थोड़ा सा फ्री हुआ है तो सोच रहे ये काम खत्म कर दे। ये देखो ये रैक हमने मंगाया है अमेजोन से, और इसका प्राइस, इसका डिटेल ना आप लोग को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसका नहीं, इसका हाँ हाँ तो इसका वीडियो ऑलरेडी आ गया चैनल पे, मतलब मैंने जब इसकी असेंबलिंग कर रही थी ना तो वीडियो बनाया था, ये पूरे टुकड़ों टुकड़ों में आया था, तो उसको हमने जोड़ लिया है। और किचन का दुर्दशा है अभी, ये देखो ये इधर पूरे नीचे सामान है, बैक कैमरा ये देखो इधर पूरे फैले हुए हैं, पूरा सामान सामान, ये डब्बे डुब्बी और ये यहाँ पे ये पूरे फैले हुए हैं। सॉरी लग गई, देखो अभी मैंने इस पे रख दिया था ऐसे, तो खाली करके फिर ये सब रख दिया है यहाँ पे, तो इस पे सारा सामान आ जाएगा ना, तो फिर ये सारी चीज़ें खाली हो जाएंगी, जो दिख रहा है ये सब हट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल हमारा किचन साफ हो जाएगा। ये दोनों रैक मैंने लगवाया है, ये तो आपको पहले दिखाया था, तो सब कुछ अरेंज करते हैं, देखते हैं आज क्या हो पाता है, कितना हो पाता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, तो खाना वाना भी बनाना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे पास ये जो कवर रखी थी ना वो इतनी ही है, मैंने पहले रोल मंगाया था किचन के लिए
और कहाँ लगाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, और घर पे मिल भी नहीं रहा है इसके अलावा। तो वहाँ पे जो किचन में लगे थे उसको तो मैं साफ करके आ गई थी, बड़ा ही अच्छा ये वॉशेबल है, तो इसको मैंने धो के सुखा के इसको लेके आई थी। तो यहाँ पे और ये सब तो नए रखे थे, ये सब नया रोल रखा हुआ था इसमें, ये देखो। तो ये मैंने लगा दिया है और कुछ कम पड़ रहे हैं नीचे का, तो मैं न्यूज़ पेपर लगा के अभी एडजस्ट कर लूँगी, फिर बाद में देखूँगी कि इसके लिए फिर कुछ और देखूँगी ऑनलाइन और फिर मंगा के इस पर रखूँगी। तो अभी जो है जितना है उसी में हम सेटल करते हैं, है ना अंशु? यस, चलो काम पे लग जाए। अशुंशु आ गए, हमारे दोनों हाथ, एक राइट एक लेफ्ट, इन दोनों के बगैर हमारा कोई भी काम अधूरा होता है। शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मा कवर लगा रही है। अभी दो ही बॉटल तो पोछा है, देखो मैंने इस तरह कुछ बिछा दिया है। अब सारे डब्बों को अरेंज कर लेते हैं और आशुंशु यहाँ पे लगे हैं अपने काम में। बच्चे हमारे बहुत मदद करवा देते हैं, बस इनका अब खेलने का टाइम हो रहा है, ज्यादा नहीं है, और आधे घंटे ना अभी अंशु वीडियो में बोल रहे हैं, नहीं तो आधे घंटे बाद बोलेगा मम्मा मैं जा रहा हूँ। और बस ये भी आने वाले हैं ऑफिस से, टाइम हो गया है, देखते हैं कितना कर पाते हैं इनके आने से पहले। और वो बर्तन स्टैंड भी गंदा हो रहा है, उसके लिए भी मैं पेपर लेके आ गई हूँ, तो उसको भी लगाना है, और ये वाला रैक भी। तो जितना हो पाता है उतना करूँगी, उसके बाद जो बच जाएगा वो फिर कल करूँगी, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो यहाँ बच्चे साथ में करवा रहे थे ना, तो थोड़ा सा काम हो रहा था, होता है ना कि दो हाथ से भी चार हाथ है, चार हाथ से छः हाथ हो जाते हैं, तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो जल्दी से हो जाता है बिना बर्डन के, तो वही है। और आशुंशु का यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो गया है, खेलने में थोड़ा सा ज़्यादा इनका टाइम जा रहा है, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उनका खेलने का टाइम हो रहा था, तो वो चले जाते। और ये काम मैं शाम को लगी थी, सारा काम निपटा के अपना सोशल मीडिया का सब काम ख़त्म करके 4 या 4:30 बजे से मैंने ये शुरू किया था, और लगभग 3 से 4 घंटे मुझे पूरा काम करने में टाइम लग गया। और ये देख सकते हैं अभी आधा ही मैंने रैक को जमाया, और कितना सुंदर लग रहा था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ना इसमें थोड़ी चेंजिंग होगी टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी जो चीज़ें सामने दिख रही है वो मैं रखते जा रही हूँ, लेकिन फिर वो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर उसको मैं चेंज करूँगी इन फ्यूचर। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है और रखते जा रही हूँ, बाकी आगे काम की तरफ से सुविधा के हिसाब से फिर उसको मैं चेंज करूँगी। तो यही है कि बच्चे जो है ना वो डब्बे साफ़ कर करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं वहाँ से साफ़ करके लाई थी, सारे डब्बों की सफाई करके लाई थी, लेकिन बताया ना कि जैसे वे लोग कार्टून में डालते हैं, टेप लगाते हैं, पेपर लगाते हैं, तो उसकी वजह से ना उसमें टेप के जो गम होता है ना वो लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ भी लाए हुए कम से कम 15 से 20 दिन हो गए थे सामान आए हुए, उसके बाद में ये ऑर्गेनाइज कर पा रही थी, तब तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी थी, क्योंकि फिर हमने ऑर्डर किया था, वो आया था, असेंबल हुआ था, उसके असेंबल होने के बाद 2-3 दिन रह गया था जब मैं इसको रख पा रही थी इस तरह से अरेंज करके। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे मतलब इतना टाइम निकल गया यहाँ पे रांची में, हमारे पूरे 2 महीने हो गए और 2 महीना कैसे निकला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी चल रहा है, सबसे ज़्यादा भी बिजी लेटेस्ट है बच्चों के स्कूल से रिलेटेड, उनका वर्क से रिलेटेड थोड़ा बिजनेस चल रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे आशुंशु बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, एक वो गर्म पानी में मैंने लिक्विड डाल दिया है विम लिक्विड का, और बिल्कुल गर्म पानी डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है, जिससे ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं बहुत कम मेहनत में, मतलब 1-2 बार उस पर आप कपड़ा चला दीजिए तो वो बिल्कुल ही डब्बे साफ़ हो जाते, चाहे उसमें कितनी भी गंदगी हो और कितनी भी चिकनाई हो। तो एक जो है कि वो सर्फ़ वाले लिक्विड वाले पानी से पोंछ रहा, और एक है कि साफ़ पानी वाले कपड़े से साफ़ कर रहा, तो इस तरह से 2-2 बार साफ़ हो जा रहा है। और जो मुझे थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा था बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो उसको मैं फिर करते जा रही थी और रखते जा रही थी, तो इनका बैठने वाला जो काम था वो कर रहे थे, और आपस में ये काम बांट बांट के कर लेते हैं तो मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है। बाकी आशुंशु ने पूरे शिफ्टिंग में बहुत सारा हेल्प करवाया है, रांची से ज़्यादा ग्वालियर में करवाया था, ग्वालियर में तो बहुत सारा काम करवाया था इन लोगों ने। यहाँ पे थोड़ा सा खेलने का सर्कल मिल गया है, तो थोड़ा खेल में ये बिजी हो जाते, तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करवाती हूँ, क्योंकि जो मेन काम है वो तो हो ही गए थे, और बच्चों से जितने जो काम हो सकते हैं वही काम तो अपन करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कुछ करवा नहीं सकते हैं। तो बस वही है कि जो वो कर पा रहे थे उसी के लिए मैं हेल्प लेती थी उनसे, और वो ले करते थे। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे डब्बे फटाफट फटाफट मैं रखते जा रही हूँ सारी चीज़ें को, और आराम से ये होते जा रहा है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मैंने दोनों 2 कांच के रैक लगवाए हैं,
नीचे स्टैंड डलवा के, इससे जो रेगुलर यूज वाले मसाले हैं, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब मैं रखूँगी ताकि थोड़ा सा ईजी हो सके यहाँ पे काम करना। बाकी जो हैवी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसको तो स्टोर रूम में ही रख रही हूँ। तो ये जो सारे मसाले हैं जो तड़का वगैरह में काम आता है, तो वो सब मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो बस अभी जैसे मैंने बताया ना कि अभी जो मुझे सामने दिख रहा है, बस मैं वो रखते जा रही हूँ। बाकी आगे और अच्छे से देखूँगी कि कहाँ पर क्या रखना चाहिए और किससे मुझे सुविधा हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें फिर रखेंगे। तो ये जो अंदर रैक हमने मंगाया ना, उसमें डब्बों के साथ साथ बहुत सारे बर्तन भी आ जाएंगे। तो अभी ये जो डब्बे दिख रहे हैं बड़े बड़े, उसको मैं हटाऊंगी। मुझे लग रहा था कि बर्तन इससे ज़्यादा हैं, तो दो रैक में बर्तनों को भी रख दूँ, जितने भी मेरे वीडियोज वाले शूटिंग वाले बर्तन हैं, तो उसको मैं अलग रखती थी वहाँ पर कवर्ड के अंदर, तो वो गंदे भी नहीं होते थे। बट यहाँ पर तो है नहीं वैसा कुछ, तो इसी रैक में रख दूँगी और ऊपर से कुछ ढक वगैरह दूंगी, चाहे स्टोर रूम का गेट बंद रहेगा तो वो फिर साफ रहेगा। तो ले ही ली हो तो। अरे ले ली फिर टूटता ही नहीं है। सेम मेरा जबलपुर का कप है, पहला जो अपने लाइफ का पहला कप है वो सब है। नहीं वो तो दे दिया ना उसको, बाइक उसको दे दिया था। हाँ पहला वाला नहीं है ये, पहला वाला नहीं है वो था ना पिंक कलर का। पता नहीं मतलब मेरा नहीं, वो तो आपका पहला वाला था, वो वाला नहीं, ब्लैक वाला नहीं जो हम शादी के बाद लिए थे अपने, पहला वाला। तो ये देखिए हमारे स्टोर रूम का सारा सामान सेट हो गया और ये रैक कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने सारे डब्बे होते हैं ना फिर भी कम पड़ता है, पता नहीं क्यों, और मैंने तो काउंट नहीं किया लेकिन बहुत सारे डब्बे हैं। और यहाँ पे मैंने दो रैक में बर्तनों को भी एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ डब्बे रख रही थी ना तो फिर बर्तन कहाँ रखती। तो स्टोर रूम का काम कम्प्लीट है। प्लेटफॉर्म के नीचे का ये जो सारा सामान था उसको भी मैंने पेपर बिछा दिया है और जो सामान रखने का था वो रख दिया है। ये ऊपर वाला रैक भी डन है, अब सिर्फ प्लेटफॉर्म की सफाई बच गई है। तो चलिए फटाफट प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करते हैं और इसका भी जो कॉर्नर है उसको अरेंज करते हैं। तो वहाँ के कॉर्नर तो बहुत अच्छा था, ग्वालियर वाला, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, मिलियन में व्यूज गया था मेरा कॉर्नर ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे जो किचन है ना, इसका टाइल्स है वही मुझे पसंद नहीं आ रहा है इस कलर का, मतलब बिल्कुल साफ सा नहीं दिखता है। वहाँ पे वाइट कलर था तो उसका अच्छा लुक आता था। आप लोग बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, मतलब ये टाइल्स ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन वही बोला ना कि रेंटेड हाउस है, कुछ नहीं कर सकते हैं, नया घर ज़रूर है लेकिन रेंटेड है, और जहाँ रहते हैं वो वहाँ रहना या फिर वहाँ की सफाई ऑर्गेनाइजेशन अपने घर जैसे ही करनी पड़ती है। और मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे रहना है, तो अपने हिसाब से ही रहूँगी और अपने हिसाब से ही चीज़ों को रखूँगी, तभी तो जाके पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो बस यही फटाफट सारी चीज़ों को पोंछ लेते हैं, और क्योंकि हो गया था 10-15 दिन हमारे यहाँ पे खाना बनाते हुए, तो सारी चीज़ें गंदी हो ही गई थी। वीकली जो क्लीनिंग करते हैं वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि बाकी सारे काम भी था। तो ये जो स्टील वाला स्टैंड है वो मैंने ग्वालियर में ही मंगाया था, यहाँ के लिए अभी मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की है। लेकिन इन फ्यूचर सोच रही हूँ कि कुछ लाऊँगी किचन के लिए, काफ़ी खाली खाली सा लगता है। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ सजेस्ट करना कि मुझे अपने किचन के लिए क्या करना चाहिए, मतलब खालीपन सा लगता है इस किचन में और बहुत भरा भरा सा नहीं चाहिए था। एक तो इसमें सिंगल प्लेटफॉर्म है इसलिए भी मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रही हूँ। एल शेप में जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसमें सही रहता है, एक में आप खाना बना रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म फ्री रहता है या फिर साफ़ सुथरा रहता है। बट यहाँ पे एक ही है तो आप भले ही एक साइड करके काम करो लेकिन फिर भी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म फैल जाता है और गंदा हो ही जाता है। तो यही है कि ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को स्टैंड के ऊपर अरेंज कर दिया है। सबसे पहले मैंने तेल का बॉटल रख दिया, फिर एक ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें कि सारे स्पून वगैरह हैं, स्पैचुला हैं, और एक में वो चाकू वगैरह हैं, तो उसको मैंने नीचे रखा है।
और ये पानी का जग है वो तो पास में चाहिए खाना बनाते समय। और इधर एक रैक में रखा है मैंने अपना मिक्सर छोटा वाला और कैटल पानी वाला, वो दोनों एक में आ गया है। वहाँ पे तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र और रहता था बट उसको मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि जगह कम पड़ रही थी यहाँ पे। तो इस तरह कुछ करके हमने अपने कॉर्नर को अरेंज किया है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। आप ज़रूर बताना कि हमारा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है मैंने स्टोर रूम को चाहे अपने किचन को, तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या मुझे चेंज करना चाहिए जिससे ये और भी सुंदर हो जाए। और अभी इतना सारा काम है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर कुछ करूँगी, अच्छा करूँगी अपने किचन को, अपने घर को बनाने के लिए। कुछ घर पे DIY बनाएंगे या फिर कुछ ऑर्डर करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने गैस की भी क्लीनिंग कर दी थी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की थी, मैं शाम को कर रही थी ना स्टोर रूम, ये दूसरे दिन सुबह की है जब मैंने ये कॉर्नर को अरेंज किया क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर खाना वगैरह बना के खा के आराम किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे सोचा कि चलो ये काम भी निपटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे गैस की अच्छे से सफाई कर चुकी है, जितने भी मनी प्लांट्स थे सब का पानी चेंज करके सबको नहला धुला के तैयार कर दिया है। और ये देखिए जी हमारा पूरा का पूरा किचन स्टोर रूम तैयार हो गया है। और ये देखिए फुल लुक में दिखा रही हूँ जैसा कि मैंने किया है। ये देखिए कहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये मनी प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और एक मनी प्लांट रख देने से ना किचन का लुक ही चेंज हो जाता है, और रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। और ये है हमारा कुछ किचन का फुल लुक। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा किचन कैसा लगा, और ज़रा भी अच्छा लगा या फिर क्या कमी है वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे नीचे भी मैंने अरेंज कर दिए हैं, ये कुछ डेली के बर्तन हैं जो कढ़ाई या फिर कुकर यूज में आते हैं जो कि रैक में नहीं आ रहे।